राजेश बाबू जी नमस्ते। नमस्ते जी राजेश बाबू जी, आप यहाँ आए सीखने के लिए। देखो, जो सीखने के लिए आता है वो होता है विद्यार्थी, ठीक है जी। तो आप को 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं यहाँ, तो मैं कंटिन्यूअसली आपको देख रहा हूँ कि आप लेट आते हो। जितना टाइम दिया हुआ है आपको, कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, और आज तो आपने हद ही कर दी कि काफी लेट आए आप। तो आप जानते हो कि समय का अगर इंसान पाबंद नहीं है तो उसकी क्या वैल्यू है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सुनिए मेरी तरफ देखिए। नंबर एक पे ट्रैफिक जाम पे सिर्फ 1 मिनट अगर रुकती है गाड़ी, तो पिछली जितनी गाड़ियां हैं वो रुक जाती हैं। ट्रैफिक जाम पे अगर एक व्यक्ति गाड़ी को रोकता है, उसको 1000 का जुर्माना है सिर्फ 1 मिनट के लिए। क्यों? सारी गाड़ियां जो है वो जाम हो गई, ये बात तो आप जानते ही हो। अरे सिर्फ 1 मिनट की जो जाम जाम हो गया, उससे उसकी क्या कीमत आती है आपको पता है? हाँ। नंबर दो, आप किताबें सेल करते हो, ठीक है, हंसने की बात नहीं है, सीरियस हो। ट्रैफिक आप देखते हो, ट्रेन लेट आती है तो आपके मन में आती है, देखो यार घंटा गाड़ी लेट आ रही है। आप अकेले नहीं हो उसमें, आप अकेले नहीं हो, इसको हंसी मजाक में मत उड़ाओ। आप उसको गाली निकालते हो, ऐसे अगर 100-200 व्यक्ति वहां खड़े हैं लाइन में एक स्टेशन पे है, तो वो गाड़ी ट्रेन लेट हो रही है, तो आपके मन में आता है कि नहीं है, ये काम ठीक नहीं हो रहा। समय की क्या वैल्यू है? सिर्फ एक एक मिनट जैसे जाता है, आपके तक गाड़ी क्यों नहीं आ रही है? ये तो आपके स्टेशन की बात है, मान लो कि 100 स्टेशन आगे है गाड़ी जाने बॉम्बे, हर स्टेशन वाला यही सोचेगा ये गाड़ी लेट आ रही है, गाड़ी लेट आ रही है। जिम्मेवार आप हो, आप लापरवाही आपसे स्टार्ट हुई है। जब हम कहते हैं कि यार गाड़ी लेट आ रही है, हम कितने पाबंद हैं टाइम के, ये देखना है हमने। हमने अपने आप को सुधारना है। हम कहते हैं यार समय की बहुत वैल्यू है, समय की बहुत वैल्यू है। यार एक ट्रैफिक जाम होता है, देख कितने लोग रुक जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी चला रहा होता हूं तो गाड़ी रुक जाती है। तो एक बार स्पेशल मैंने गैरेज में गया सर्विस वाले के पास, मैंने कहा इसके ऊपर 2000 लगे, 5000 लगे, 10000 लगे, ये गाड़ी जाम में रुकनी नहीं चाहिए। मिस्टेक किसी की हो तो एक्सक्यूज नहीं है, आप 100 बहाने लगा सकते हो। नहीं जी मैं रात को लेट सोया, नहीं जी मेरे को उठा नहीं गया, नहीं जी, ये बहाने कोई भी लगा सकता है। जाम जब गाड़ी रुक जाती है तो आपकी गलती है। अब मेरी गाड़ी के ऊपर 3000 का लगा हुआ, सिर्फ ये कि वो जाम पे रुके ना। सेकंड हैंड मैंने गाड़ी ली थी तो गाड़ी जाम में रुक जाती थी, तो मैंने पहले अपने दिमाग के ऊपर स्ट्रेस रखा, अगर 1 मिनट मैं रुकूंगा तो मेरे को 1000 जुर्माना होगा। तो आप सीरियस हो कि हर मिनट की कीमत है, हर मिनट की कीमत है। आप जो समय यहां वेस्ट करते हो, आप एक सीखने के लिए आए हो। जो सिखाने वाला होता है उसके मन में कई विचार आते हैं। सबसे पहले आपकी विश्वास पात्रता पे एक क्वेश्चन चिन्ह है, मेरा विद्यार्थी आलसी है। बहुत दुख की बात है, मेरा विद्यार्थी आलसी है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं 1 साल बच्चों को पढ़ाया, वहां मैं सबसे पहली बात ये कहता था, मैं गांव में 15-20 मिनट यहां 12 किलोमीटर साइकिल पे आके पहले पहुंच जाता हूं, आप लेट क्यों आते हो? मैं नहीं, 1 मिनट देखो मेरी बात सुनो। देखो मैंने पहली बात कही है कि बहाने 100 मिल जाएंगे, जाम में जब कट जाती है ना, 1000 का लग जाता है जुर्माना, तो फिर बंदा के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता। हम कह सकते हैं यार रीजन बहुत सारे हैं, आप मेरे सामने आए हो तो आप अपने रीजन से बताओगे। तो मैं आपको कहता हूं, जब लाइट 3 होती है, लाल और पीली और ग्रीन, ग्रीन हुई तो गाड़ी जानी चाहिए, गाड़ी जानी चाहिए। वो एक्सक्यूज नहीं लेता, कहता है आप गाड़ी रोड पे क्यों चलाई आपने? अगर आपकी गाड़ी खराब थी, आपकी गाड़ी आपने रोड पे क्यों चलाई, उसने काट देना है।
उसने आप हजार हाई कोर्ट में आप अपील भी करोगे ना जज के सामने, नहीं जी मेरी गलती से हो गई है गाड़ी, वो कहता गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये तो छोटा इलाका राजपुरा। आप चंडीगढ़ जाइए, दिल्ली जाइए, वहां एक सेकंड जाम की वैल्यू आप जानते हो क्या है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि समय का एक एक टाइम कीमती है। आया समझ में आपको? नंबर दो पे अब है कि हम कैसे समय के पाबंद हो सकें। आपको ये पता है ये बहुत गंदी आदत है, बहाने मारना आसान है पर इस आदत को सुधारना बहुत मुश्किल है। आया समझ में? मतलब इस आदत को कैसे सुधारा जाए, तो मैं एज ए स्टूडेंट आपको सलाह दे रहा हूं। देखो आप अपनी लाइफ में एक छोटा सा कमिटमेंट करना है, कमिटमेंट कि चाहे मेरे पास काम करो या आपका अपना काम हो, ये अब आपकी एक आदत बन गई है। आदत मींस बंदा एक बार कहीं मिस्टेक हो जाती है, हो सकता है आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए हो या सेकंड टाइम आए हो, हमेशा मेरे से नहीं पड़ेगा। अब तो जब आप अपने काम में ना कमिटमेंट नहीं लेते, या नहीं ये कोई बात नहीं 5 मिनट लेट हो जाएंगे क्या है, तो गाड़ी भी कहती है मैं घंटा लेट आई हूं, तो आप अपने टाइम पे पाबंद रहेंगे, दूसरा व्यक्ति भी पाबंद रहेगा। आप उसको मजबूर करो, आप मेरे पास आओ विद्यार्थी, आप कहोगे यार सर जी आप क्यों लेट आते हो, पढ़ाने वाला जो भी है उसको आप मजबूर करो। मेरे को अच्छी तरह से याद है मैं अपने स्कूल काल में, कॉलेज काल में, जहां भी मैं पढ़ा मैं समय का पाबंद रहा हूं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में मैंने बहुत सारे डंडे सिर्फ इसी बात पे खाए हुए हैं कि मैं एक या दो बार मिस्टेक से रीजन से लेट गया था, तो उसके बाद मैंने पूरा पाबंद रहा हूं कि मैं समय पे पहुंचूं। जो समय विद्यार्थी का समय दिया जाता है उसी समय पे पहुंचना चाहिए, उससे आपकी विश्वास पात्रता बढ़ेगी। जो आपका टीचर होगा, जो आपको सिखाने वाला होगा, वो कहेगा हाँ यार मेरा विद्यार्थी समय का पाबंद है, उसमें पंक्चुअलिटी का इतना बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी है, ये कितनी अच्छी है, उसके दिल में अच्छी उमंगे आएंगी, अच्छे विचार आएंगे, मेरे विद्यार्थी में इतनी अच्छी क्वालिटी है, अरे ये तो ऐसी चीज है जिसको मैंने ज्ञान देना है, मैं उसको पहले ठोक तो दूं। अगर विद्यार्थी ठोकता है तो टीचर भी ठोकता है कि ये अच्छा है विद्यार्थी कि नहीं है। तो ये मिसाल आपने कायम करनी है। नंबर एक पे कमिटमेंट, कि आपने कमिटमेंट करनी है कि हाँ मैं आज से कभी कोई भी काम हो वो समय पे करूंगा। विद्यार्थी के रूप में आप ये कमिटमेंट तो कर सकते हो, बताओ बताओ आजीश बाबू, एक विद्यार्थी के रूप में कमिटमेंट तो कर सकते हो, कर सकते हैं कि मैं कभी भी कहना है मैं विद्यार्थी काल में जो समय काल हुआ उसमें मैं समय का पाबंद हूं। दूसरी बात ये है कि एक आदत को सुधारना है। आदत तो होती है देखो, छोटी छोटी चीजों से आदत बनती है। पहली बार मिस्टेक करते हैं, दूसरी बार बहाना हो सकता है, तीसरी बार आदत होती है। पहली बार गलती है माफ हो जाती है, दूसरी बार इंसान बहाना मारता है, ठीक है वो भी माफ हो जाता है, बहाना मारा है उसको वो समझे ये भी गलती है, पर तीसरी बार ये एक आदत बन जाती है। कोई भी अच्छा इंसान गंदी आदत को बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। तो विद्यार्थी काल में आप कमिटमेंट कीजिए, आप अपना एटीट्यूड है जो लेटनेस का आपका एटीट्यूड है कि लेट आना है वो बदलिए। और सबसे पहले बात है ये है कि एक दिन पहले ही अपना शेड्यूल बना लीजिए, फिक्स शेड्यूल हो, स्मूथ काम चले, अच्छी तरीके से सीखिए समझिए, तो ये समय के पाबंद से आपकी गुडविल बढ़ती जाएगी। फूल होता ना फूल, उसकी खुशबू फैलती जाती है। इंसान समय की पाबंद की एक क्वालिटी अपने लाइफ में रखे। मुझे दुख से क्यों कहना पड़ रहा है ये, ठीक है मुझे आप एक फूल बन के दिखाइए, आपकी खुशबू फैले कि मैं 10 व्यक्तियों को ये कहूं कि एक विद्यार्थी जो मेरे पास सीखा था काम वो फूल था, उसमें से खुशबू फैलती थी। मेरे पास दूसरे विद्यार्थी है कुलभूषण जी, वो समय के पाबंद है, ठीक 5-10 मिनट पहले ही आ जाते हैं। तो ऐसे ही आपने बनना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समय के पाबंद बनोगे। ओके धन्यवाद।